स्वागत है मेरी सुरंग में तुम्हारा तुच्छ भ्रमरी। अब अपनी मृत्यु के लिए तुम तत्पर हो जाओ। ये दुष्टा तो मेरी जीवा में ही वेद कर मुझे कष्ट पहुंचा रही है। तो मैं निगल नहीं पा रहा हूँ तो क्या मसल कर दो, रख सकता हूँ तुम्हें। तुम्हें यहाँ वहाँ टकरा कर नष्ट कर दूंगा मैं। प्रतीत होता है अरुणासुर उस भ्रमरी का अंत करने में सफल हुआ। क्या हुआ अरुणासुर, तुम्हारे इतने प्रहार पर्याप्त नहीं थे क्या? ये वहां कैसे पहुंच गई? अब मैं इसे समाप्त करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या इसका अंत हो ही गया? प्रतीत होता है कि अरुणासुर ने उसका अंत कर ही दिया। अरुणासुर ने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि ये तुच्छ भ्रमरी उस पर इतनी भारी पड़ेगी। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से अपने प्राण त्यागने वाली नहीं हो, किंतु ये सुनिश्चित है कि आज तुम्हारी यहाँ इसी कक्ष में मृत्यु होके रहेगी। सा शरीर यहाँ आ तो गई हो तुम, किंतु बाहर यहाँ से तुम्हारे प्राण ही जाएंगे। दुष्ट, तू मुझे रोकने के लिए यहाँ के समस्त द्वार कपाट और भेद भी बंद क्यों ना कर ले, किंतु प्राण मेरे नहीं तुम्हारे जाएंगे अब दुष्ट अरुणासुर। अपने इस तुच्छ मुख से मेरा नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे तुच्छ पुकारते हो तुम और पीछे से छिपकर मुझ पर प्रहार करने का तुच्छ कार्य स्वयं करते हो तुम। हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि तुम्हारे जैसे तुच्छ भीरू सम्मुखा कर युद्ध कहाँ करते हैं, इधर उधर उड़कर छिप जो जाती हो तुम। अच्छा, किंतु मेरे यहाँ आगमन पर मुझसे भयभीत छिप कर स्थित थे तुम। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ तुम्हारी इस गर्जना से भयभीत हो जाऊंगी मैं? तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझ पर। भयभीत होने का समय तो अब तुम्हारा है, क्योंकि अब एक भ्रमरी जिसे तुम एक तुच्छ प्राणी समझते हो, वो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेगी तुम्हारा इस सृष्टि से अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम्हारे समक्ष रहूंगी मैं, किंतु तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। अब आएगा आनंद, मैं भी तो देखूं कि एक उत्तेजित गस समान विशालकाय असुर के समक्ष एक तुच्छ कीट कब तक सुरक्षित रहती है। इस युद्ध में आज पराजय चाहे किसी की भी हो, किंतु मृत्यु तो मेरे ही शत्रु की होगी। अरुणासुर,
मदिरा है, अग्नि है, अस्त्र भी है और ये स्तब्ध है यहाँ। इन सभी का लाभ उठाऊंगी मैं। प्रतीत होता है तुम अपनी जीवा से अनर्गल प्रलाप करने में ही सक्षम, सफल प्रहार करने में नहीं। तुझ भ्रमरी, अब दिखाता हूँ तुम्हें अपने जीवा की शक्ति। देखो दुष्ट, तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी। अरुणासुर के सुरम को तहस नहस कर ये भंवरी प्राप्त क्या करना चाहती है? ऐसा प्रतीत होता है इस भंवरी के मन में कोई योजना है। इस स्तंभ को हिलाकर कोई लाभ नहीं होगा भ्रमरी, क्योंकि ये मुझे तनिक भी आहत नहीं कर सकेंगे। अब तुम में साहस है तो मेरा स्पर्श करके दिखाओ। यदि तुम में सामर्थ है तो तुम रोक कर दिखाओ मुझे। तुझ भ्रमरी, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे सुरक्षित निकल पाती हो, क्योंकि मेरे द्रव्य ने यहाँ से बाहर जाने के तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से वायु भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर भागने का मार्ग तो तुम ढूंढोगे। अपनी मृत्यु को अपने सम्मुख देखकर उससे भयभीत होकर बस इतना ही विस्तार है तुम्हारी जीवा का। ओह, इस कपटी तुच्छ भ्रमरी ने तो अपनी युक्ति से मेरी ही जीवा को इस खंभ में उलझा दिया। ये ज्ञात था मुझे, अवश्य कोई योजना है इसकी। दिखाई अवश्य छोटी देती है, किंतु इसकी बुद्धि छोटी नहीं है। जिसके प्रभाव से देखते ही देखते इसने अरुणासुर जैसे भयंकर विशाल का असुर को असहाय और विवश बना दिया। नहीं, ये तो इस मदिरा का प्रयोग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कर रही है। सर्वप्रथम अपनी जीवा को इन खंभ से विलग करना होगा मुझे, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकूंगा मैं। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो भ्रमरी। कहा था ना मैंने, यहाँ से भागने का स्थान तो तुम ढूंढो। नहीं, नहीं।
बस बहुत हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा भ्रमरी। यदि इस अग्नि से सुरक्षित रही तो तुम देखना कैसे तुम्हारे समक्ष तुम्हारे इन देवताओं को भयंकर प्रताड़ना देता हूं मैं। अरुणासुर तो वहां से निकल गया, किंतु वह लाचार भ्रमरी कैसे निकल पाई स्वयं अपने द्वारा बिछाए गए अग्नि की जाल से। अरुणासुर ने यहाँ बंदी बनाकर रखा है, उनकी सहायता की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। तत्काल मुझे उन्हें बंधन मुक्त करवाना होगा। हमारी रक्षा हेतु यहाँ आने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी संतान को किसी भी संकट में देख भला कोई माँ कैसे शांत रह सकती है, इसीलिए आप सबको भी मुझे रक्षित करने के लिए तो आना ही था देवगणों। अपने निर्बल देवताओं को बाद में मुक्त करवाना, सर्वप्रथम ये तुच्छ भ्रमरी अपनी रक्षा तो कर ले मुझसे। माता कहा था ना मैंने, ये तुच्छ भ्रमरी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी, अपितु मैं इसका वध करूंगा। क्या कहा तूने? तुच्छ भ्रमरी? तुच्छ भ्रमरी रविचंद्र बहिन, तुम चाहे अपनी समस्त कीट सेना को भी बुला लो तुच्छ भ्रमरी, मेरे विषैले द्रव से बच नहीं पाएंगे वो। तुच्छ भ्रमरी, ऐसी कितनी तुच्छ भ्रमरियों को अपने कार्यग्रह में बंदी बनाओगे अरुणासुर? कहां से इतने असंख्य भ्रमर कीट उत्पन्न होकर पहुंच रहे हैं वहां? ये सभी तो माता की दिव्य आभा से जगमगा रहे हैं, किंतु हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि इसमें माता कौन सी है? हाँ इंद्रदेव, ये सभी माता भ्रमरी के समान प्रतीत हो रही हैं। असंख्य भ्रमर कीट ही क्यों ना आ जाए, तुम्हारी संपूर्ण सेना ही क्यों ना आ जाए, नष्ट करूंगा, पल भर में नष्ट करूंगा। ये दुष्ट असुर इस प्रकार माता के धैर्य की परीक्षा ले रहे, किंतु ये नहीं जानता कि जब माता के धैर्य का बांध टूटेगा और उनके क्रोध रूप से इसका सामना होगा तो इसे छिपने के लिए भी स्थान प्राप्त नहीं होगा।
अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो दुष मुझे दिख जाए और मैं उससे युद्ध कर सकूं। अब कहां और कैसे छिपोगे अरुणासुर? इधर उधर क्या देख रहे हो अरुणासुर? मैं तो यहाँ। क्या तुम अभी भी मुझ पर वार करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो मूर्ख? मैं तो इन सभी में हूँ और ये सभी मुझ। मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। साहस है तो मेरे समक्ष स्वयं को उजागर करो। आओ मेरा सामना करो। कहाँ हो तुम कुछ भ्रमरी? देवगण, वो रही माता अपनी संपूर्ण भ्रमर सेना से युक्त देवी भ्रामरी के रूप में। माता, अद्भुत, नहीं नहीं नहीं, इसके सम्मोहन में कदापि नहीं आऊंगा मैं। यह दृश्य किसके लिए उत्पन्न कर रही हो तुम? मैं तनिक भी भ्रमित नहीं हूँ तुमसे। अपने तुच्छ कीटों के साथ मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुँचा सकती तुम। बहुत लगाव है ना तुम्हें तुच्छ शब्द से। सभी को अपने समक्ष तुच्छ समझते हो तुम। तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूँगा और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष। मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ। शेष सभी तुच्छ है। हाँ हाँ, सभी को समझता हूँ तुच्छ अपने समक्ष। मेरी तुलना में तुम सभी तुच्छ हो। दुष्ट अरुणासुर, मैं अपने समक्ष किसी को भी तुच्छ नहीं समझती। कर्ण से कीट तक और कीट से ब्रह्मांड तक, मेरे लिए सभी चराचर जीव का अस्तित्व एक ही समान है। किंतु ये तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम्हें मेरे वास्तविक रूप के दर्शन नहीं होते। होता है माता अपने विराट रूप के दर्शन दे रही है। मैं हूं
हूँ वो शक्ति स्वरूप जो ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में होता है, और ब्रह्मांड की शक्ति को ललकारने वाला, पाप को बढ़ावा देने वाला, अधर्म का विस्तार और प्रचार करने वाला, पूर्ण शक्ति को तुच्छ समझने वाला मृत्यु का भागीदार होता है। और तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है अरुणासुर, और वो भी एक तुच्छ भ्रमरी द्वारा। किसी के द्वारा संभव हो मात्र और मात्र छह पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। यदि मेरा वध किसी उच्च ब्रह्म रे 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 माता, माता मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी वास्तविक शक्ति को जान नहीं पाया माता। माता, आपने उस दुष्ट की प्राण ज्योति अपने भीतर समाहित कर ली? हाँ माँ, क्या ये दुष्ट आपकी इस कृपा की योग्य था? इसे इसके पापों के परिणाम स्वरूप मृत्यु अवश्य प्राप्त हुई, किंतु जब से इसने देवी आदि शक्ति का नाम सुना, शत्रु भाव से ही सही कि निरंतर उस नाम का स्मरण करता रहा, जपता रहा मेरा नाम, तो फिर उस पुण्य का फल तो इसे अवश्य प्राप्त होगा ना पुत्र। माता भ्रमरी देवी की जय। 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 क्यों मूर्ख, अरुणासुर का अंत देखकर स्तब्ध रह गया ना तू? भयभीत हो, आतंकित हो, क्योंकि यदि अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता, नहीं, आप हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसी दुर्दशा मेरी कदापि नहीं होगी, कदापि नहीं। माँ, अरुणासुर का वध हो चुका है, इसलिए आप अपने सहज रूप में आने की कृपा कीजिए। हाँ माता, कृपा कर अपने सौम्य रूप में लौट आइए। माता, हम पर दया कीजिए माता। अब अपना क्रोध शांत कीजिए माता। हमें अपने शांत और सौम्य रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए माता। वहां अपने सामान्य सहज रूप में क्यों नहीं आ रहे? अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता, नहीं, ऐसा भयंकर परिणाम नहीं होगा मेरा, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। माता, हम विनती करते हैं माता, अपने सामान्य सौम्य रूप में लौट आई। कदाचित माता हमारी प्रार्थना श्रवण करने में असमर्थ, इसीलिए हमारी गुहार उन तक नहीं पहुंच रही। यदि ऐसा है
तो माँ को उनके इस विराट रूप से सौम्य रूप में लौटाने के लिए हम क्या करें गणेश? पिताश्री, हमें पिताश्री से सहायता लेनी होगी भैया। हाँ भैया, आपको स्मरण होगा, माता ने भ्रमरी का रूप पिताश्री के सहस्रार कमल पुष्प में परिवर्तित होने के पश्चात उनके सम्मुख जाने के लिए ही लिया था। तो अब केवल पिताश्री ही है जो माता को पुनः उनके सौम्य रूप में ला सकते हैं भैया। अपने परम भक्त दुर्गमा सुर की सहायता के लिए आपको प्रकट होना ही होगा माता। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता। मेरी सहायता कीजिए माता, दर्शन दीजिए माता, मेरी सहायता हेतु प्रकट होइए माता। सहायता कीजिए पिताश्री। हे शिव शंभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रतीत होता है पिताश्री का भी संपूर्ण ध्यान माँ पर ही केंद्रित है, इसलिए मेरी विनती वो भी नहीं सुन पा रहे हैं, और वहाँ माँ पिताश्री द्वारा उन्हें पुकारे जाने की प्रतीक्षा में है। अब इस उलझन को सुलझाने का कोई उपाय मुझे ही ढूंढना होगा। एकमात्र प्रभु शिव का ध्यान मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो भक्त का स्वर सीधे प्रभु तक पहुँचा सकता है। दर्शन देही माता, मैं पुनः आपका आह्वान करता हूँ, यहाँ आकर मेरी सहायता कीजिए माता। आइए माता, आइए। दर्शन, दर्शन दे ही माता, आपका भक्त पुकार रहा है माता, आपको आपको प्रकट होना ही होगा माता। जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु, जय जय गिरिजाध्वा शंभु, जय जय अंबिकानाथ शंभु, जय जय उमापते शंभु, जय जय भ्रमरीनाथ शंभु, जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु। मेरा आवाहन करेगा उसे मेरे विकराल और क्रूद रूप के दर्शन से भयभीत और आतंकित होना पड़ेगा कि
किंतु वैदिक विधि से मेरा आवाहन करने वाला भक्त मेरे सौम्य रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। अभी भी समझ जा मूर्ख, अवैदिक विधि का प्रयोग करेगा तो कोई तुच्छ मनोकामना ही पूर्ण होगी तेरी, किंतु वैदिक विधि का प्रयोग करेगा तो जीवन सफल हो जाएगा तेरा। मुझे तो यही विधि ज्ञात है माता, और इसी प्रकार बार बार पूर्ण श्रद्धा से आपका ये भक्त इसी प्रकार आपका आवाहन करता रहेगा माँ। बोध, मेरा आवाहन कर, अपने किस स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है तू? पुत्र, तुम क्या चाहते हो वो मुझे ज्ञात है। अपनी चिंता त्याग दो पुत्र, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। प्रथम पूज्य गणेश जी ने माता के मन को शांत करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश, अद्भुत। बोल क्या चाहता है तू, शीघ्र बोल क्या चाहता है तू मुझसे? माता, मैं आपसे बहुत कुछ मांग चुका हूं और प्रत्येक बार अपने ध्येय में असफल भी हुआ, इसलिए आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अभी तो आप ही बताएंगी मुझे कि मैं क्या करूं। माता, असुर हूं मैं और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरी प्रवृत्ति है। आप तो उन्हीं आदि शक्ति की एक अंश हैं, उनकी ही शक्ति का एक भाग है आप माता, इसलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगी कि मैं किस प्रकार से उन्हें पराजित कर सकूं। अद्भुत, आहो भाग्य हमारे, जो इस दिव्य दृश्य के साक्षी बनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो।
प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कमल पुष्प रूप धारण कर माता को अपने भ्रामरी रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। माता, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने भ्रामरी रूप में अरुणासुर का वध कर उसके आतंक से हम सभी को मुक्ति दिलाई। मैं धन्यवाद करता हूं देवी आदि शक्ति आपका कि आपने भ्रमरी रूप में उस दुष्ट का वध किया और मुझे मेरे अपने वचनों से मुक्त किया। अरुणासुर को मेरे वचनों और वरदान का दुरुपयोग करने से रोका। इसलिए आज से जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से आपके इस भ्रमरी रूप का दर्शन करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे और उसके जीवन में आनंद रूपी कमल का पुष्प खिलेगा। आज से मेरे भ्रमरी रूप के दर्शन त्रिलंगर में स्थित श्री सैलम में होंगे, जहां स्वामी अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिका अर्जुन के रूप में अपने दर्शन देंगे। माँ भ्रमरी देवी की जय। माँ भ्रमरी देवी की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। तूने श्रद्धा से उपासना की है मेरी, इसीलिए मैं विवश हूँ तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, किंतु अब और विवश मत कर मुझे। इस बार तो आप स्वयं मुझे और समर्थ और योग्य बनाने के लिए कोई सुझाव सुझाइए अथवा मुझे कोई विशेष वरदान दीजिए, क्योंकि माता अपने परम भक्त की भक्ति को कैसे व्यर्थ होने देंगी आप? कोई छल भी नहीं कर सकती आप मेरे साथ, इसलिए जो भी आप स्वयं मुझे देंगी वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता, किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता, किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। क्या हुआ माँ, आप इस प्रकार अचानक चिंतित क्यों हो उठी? हाँ माँ, हमें बताइए ना कि क्या है आपकी चिंता का कारण। दुर्गमासु पूरा दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे रहा है तू। शक्ति के ही रूप से स्वयं परम शक्ति को पराजय करने का उपाय मांग रहा है तू। अरे मूर्ख, अपनी बुद्धि का कुछ तो प्रयोग कर। माता, मैं मूर्ख ही तो था जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता रहा। पूर्व में मैंने आपसे अपनी विजय का उपाय नहीं पूछा, किंतु अब पुनः ऐसी भूल कदापि नहीं करेगा दुर्गमा सर। अब तो आपकी बुद्धि के अनुसार आपके सुझाए उपाय का ही प्रयोग करेगा दुर्गमा सर। इस बार ऐसा उपाय कर रहा है वो दुष्ट जिससे उसे पराजय करना असंभव के समान हो जाएगा। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो, जिसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। हमें अनुमति दीजिए माँ। हाँ माँ, हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी जाकर उस असुर को ऐसा करने से रोक देंगे। हाँ माता, आज्ञा दीजिए हमें। प्रणाम माता।
मुझे वो उपाय सुझाइए माता, बताइए मैं क्या करूं। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। मुझे और विवश मत कर दोस्त। दुष्ट अवश्य हूँ माता मैं, किंतु हूँ तो आपका प्रिय भक्त। आप मेरा वध करना चाहती है ना, तो अवश्य कर दीजिए, अन्यथा मुझे देवी आदि शक्ति को पराजित करने का अचूक उपाय बताइए। माँ मुझे बताइए अचूक उपाय, बताइए माँ। बाहर निकलो दुर्गमासुर, हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के निकट पहुंचाने आए हैं। भैया देखिए वहाँ वो गुफा। हाँ गणेश, वहाँ तो कुछ हलचल होती हुई प्रतीत हो रही है। किंतु ये दुष्ट का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है भैया। हमें जो भी करना है सतर्क रहकर करना होगा। आओ गणेश, अब वो चाहे जो भी षड्यंत्र रच रहा हो, हमारा इस समय उसे रोकना अति आवश्यक है। क्या हुआ माता, किस विचार में डूब गई आप? दीजिए ना मुझे वो वरदान, दीजिए ना जिससे मैं देवी आदि शक्ति को पराजित कर सकूं। माँ वो उपाय बताइए माता, बताइए मुझे। ऐसे स्वयं को विवश करने से, ऐसे वो रहस्य बताने से रोक सकती तो अवश्य रोकती मैं। कितना अच्छा होता यदि कोई यहाँ आकर मुझे विवश करने से रोक सकता। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। उचित, जब तुमने मुझे विवश कर ही दिया तो फिर मैं ही बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार देवी आदि शक्ति को पराजित कर सकता हूँ। माँ अपने भक्त की सहायता कीजिए माँ। भैया दुष्ट दुर्गमासुर चाहे कुछ भी करने का प्रयास करे, हमें उसे किसी भी प्रकार से रोकना ही होगा। रुको, रुको, रुको। उचित, जब तुमने मुझे विवश कर ही दिया है तो फिर मैं ही बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। दुर्गमासुर, स्वयं को पीड़ा देने में बहुत आनंद आता है ना तुझे। स्वयं को कष्ट देकर मुझे बार बार विवश करने पर तत्पर रहता है ना तू। तो सुन, जिस अपार समर्थ की कामना तू रखता उसका रहस्य सुनने के लिए ध्यान से तैयार हो जा दुष्ट। भैया ये तो दुर्गमासुर की गुफा नहीं है,
प्रतीत होता है उसने हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित कर हमें भटका दिया है। भैया हाँ गणेश, ये तो उस दुष्ट की कोई कपट चाल है। इस गुफा के भीतर तो दुर्गमासुर ने हमें भटका दिया है भैया, अब हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? तो सुन, यदि तू देवी आदि शक्ति से युद्ध करने के सामर्थ बनना चाहता है तो 94 करोड़ बार अपने शरीर के अंग कोश से विलग कर उसका अनुष्ठान कर और बन जा सभी नकारात्मक अंधकारी शक्तियों का स्वामी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। तो 94 करोड़ अपने शरीर अंग को विलग कर उसका अनुष्ठान कर और बन जा सभी नकारात्मक शक्तियों का सभी मैंने सावधान किया था ना भैया कि ये उस असुर का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है। गणेश तुमने ही तो दिखाई थी ये गुफा और अब सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। भैया ये स्वर कैसा था? मुझे सतर्क रहने का सुझाव दे रहे थे ना गणेश, किंतु स्वयं तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है यहां। सावधान भैया, मैंने आपको कहा था ना कि आपको सतर्क रहना चाहिए। हाँ मैं नहीं भैया, अपने स्थान से हटिए मत, हम उस दुष्ट दुर्गमासुर के जाल में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा एक भी पग हमें किसी भी संकट में डाल सकता है, इसलिए वो दुष्ट दुर्गमासुर अपने प्रयोजन में सफल हो उसके पूर्व ही हमें बड़ी सावधानी से यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना होगा भैया। प्रतीत होता है माता, आप मुझे सफलता प्राप्त होते हुए देखना नहीं चाहती, इसलिए अनिच्छा से ही वरदान दे रही हैं आप मुझे। क्या सुझाव दिया आपने मुझे? 94 करोड़ बार अनुष्ठान। ऐसा नहीं कि मेरे लिए संभव है अथवा मैं इसके लिए सशंकित हूँ, किंतु मुझे इस बात का आभास है कि इस अवधि में देवी आदिशक्ति यहाँ आकर मुझे रोक देगी और कदाचित मेरा वध भी कर देगी। दुर्गमासुर, तू बड़ा हठी। नहीं माता, जब आपने मुझे अनुष्ठान करने का सुझाव दिया है तो उसे पूर्ण करने का उपाय भी बताइए माता। मायासुर, मित्र मायासुर। हमें शीघ्र ही कोई अन्य मार्ग ढूंढना होगा गणेश। प्रतीत होता है भैया गुफा के उस ओर उसके खुलने का स्थान है। इसका अर्थ है कि इस गुफा में वायु मार्ग से प्रहार करने वाले अस्त्रों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, इसलिए हमें सतर्क और सचेत रहना होगा भैया। Ding ding da, 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 ding ding da,
अब इनमें से कौन सी सुरंग में प्रवेश कर आगे बढ़े हम गणेश? शीघ्र बताओ गणेश, किस सुरंग का चुनाव करें हम? भैया, अन्य सुरंग तो हमें वास्तविक मार्ग से भटकाने के लिए है, इसलिए हमें वही प्रवेश करना चाहिए जहां अग्नि प्रज्वलित है। सर्वथा उचित कह रही है माता। मायासुर अपनी विशेष माया से मेरे अनुष्ठान को संपन्न होने तक मुझे सुरक्षित रख सकता है, किंतु उसकी माया से मेरी रक्षा कौन करेगा माता? उसकी माया में उलझे बिना उसके निकट पहुंचना असंभव है। माता, जब आपने मेरी इतनी सहायता की है तो कुछ और सहायता भी कर दीजिए माता। वचन दीजिए माता मुझे कि आप उसकी माया से मुझे सुरक्षित रखेंगे। अब कहां जाना है गणेश? दाईं ओर की बाईं ओर? मायासुर के निकट जाके तू इसे धारण कर लेना मूर्ख, ये तुझे उसकी माया से सुरक्षित रखेगा। के तो फिर भी यदि उसकी माया का प्रभाव तुझ पर हो ही गया तो मैं अपने प्राण तुझे झकझोर दूं और उसकी माया से मुक्ति दिलाऊं। धन्यवाद माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस इसी की तो आवश्यकता थी मुझे। आपकी कृपा से देवी आदि शक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। बाईं ओर जाना चाहिए भैया, मुझे कुछ स्वर सुनाई दिया और ऐसा आभास हुआ जैसे वो दुष्ट अभी भी वहाँ है। धन्यवाद माता, धन्यवाद। शीघ्र दुर्गमासुर तक पहुंचना होगा भैया, और वो अधर्मी जो भी कुकृत्य कर रहा होगा उसे रोकना ही होगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे वो यहीं कहीं है, फिर अभी अचानक उसकी उपस्थिति का आभास क्यों मिट गया? माता, हरीश गणेश देखो माँ।
प्रणाम माँ। माँ के नेत्रों से अश्रु क्यों छलक आए? वो दुखी क्यों है? क्या हुआ माँ? क्या है आपकी पीड़ा का कारण? हमें बताइए ना माँ, क्या हुआ है? आपकी कृपा से देवी आदि शक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो। प्रतीत होता है भैया, जिसकी हमें आशंका थी वही हो गया है। दुष्ट दुर्गमासुर ने अवश्य माँ को विवश कर उनसे कोई विशेष वरदान प्राप्त कर लिया है। क्या कर दिया मैं? ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? माँ हमें बताइए ना, क्या हुआ है? हाँ, और कहाँ गया है वो दुष्ट दुर्गमासुर? मायासुर के निक। मायासुर? कौन है ये मायासुर? वो मायासुर जो असीम माया शक्ति का स्वामी, जिसके माया से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। वो मायासुर जिसने जन्म लेते स्वयं अपने पिता सृष्टि रचेता ब्रह्मदेव को भी अपनी माया में उलझा दिया। कहां से आए हो? अपना परिचय दो और यहां आने का कारण बताओ। शांत क्यों हो? बताओ कौन हो तुम, कहां से आए हो? आपके निश्वास से जन्म हुआ है हमारा, इसी कारण हम पुत्र हैं आपके। तो कृपा करके आप हमें कोई नाम प्रदान करें और अपने परिचय देने की भी कृपा करें। पुत्र, मैं त्रिदेवों में से एक हूं, ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का रचयिता। प्रणाम। मेरे ब्रह्मदेव के पुत्र हो तो सृष्टि के रचयिता के पुत्र हो तो। तो कृपा करके हमें ये बताइए पिताश्री कि दो अन्य त्रिदेव कौन और क्या कार्य करते हैं? मेरे अतिरिक्त दो और त्रिदेव हैं। एक है पशुपतिनाथ महादेव और दूसरे हैं जगत के पालनहार श्री हरि नारायण, और दोनों ही मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। और दायित्व भी क्या है दोनों के, और कार्य भी क्या करते हैं, ये तो पूछना भी व्यर्थ है। श्री हरिनारायण,
वो तो हमेशा शेष नाग पर विराजमान रहते हैं और देवी लक्ष्मी हमेशा उनकी सेवा करती रहती है। ये क्या, अकस्मात स्वामी को क्या हो गया जो वो अन्य त्रिदेवों की निंदा करने लगे हैं? स्वामी और पशुपतिनाथ वो तो सदैव समाधि में लीन रहते हैं, स्वयं में ही रमे रहते हैं। व्यर्थ व्यर्थ है इन दोनों के क्रियाकलाप, और मैं सृष्टि का समस्त भार निरंतर संभालता रहता हूँ, उसके लिए परिश्रम करता रहता हूँ। क्या ये घोर अन्याय नहीं है मेरे साथ? मैं अभी जाकर अरे मूर्ख, तुमने मुझे अपनी ही माया से प्रभावित कर अन्य त्रिदेवों की निंदा करने के लिए विवश कर दिया। तुमने जन्म लेते ही मुझ पर माया का प्रभाव किया है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा माया से। तुमने अपनी आसुरी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इसलिए तुम्हारा निवास ब्रह्मलोक में वर्जित होगा। तुम्हें अभी यहां से प्रस्थान करना होगा। अवश्य अवश्य प्रस्थान करेंगे हम यहां से, जब हम अपने माया से अपने पिताश्री को भ्रमित कर सकते हैं। इतनी शक्ति है हमारी माया में, तो हमें किसी पर निर्भर होने की क्या आवश्यकता। शबसी माया शक्ति का स्वामी मायासुर और दुर्गमासुर साथ आएंगे तो उसके भयंकर परिणाम की कल्पना से ही मैं चिंतित हो रही हूं। इन दोनों का साथ बड़ा अनर्थकारी हो सकता है। मेरे ही कारण एक पापी, एक अन्य पापी का साथ पाकर महापापी बच जाएगा और इन दो दुष्टों की दुष्टता का घातक मेल कारण बनेगा इनके द्वारा देवी आदि शक्ति की संतानों की प्रताड़ना का। और फिर क्या थे? ये दोनों कैसे संसार के निर्दोष जीवों पर भयंकर अत्याचार करेंगे और इनके अपराधों का दोष किसका होगा? मेरा, मेरा मात्र मेरा होगा। नहीं माता, आप स्वयं को दोषी मत ठहराइए। नहीं, मेरा ही दोष है। विवश नहीं मैं तो क्या हूँ? ये उपाय तो मैंने ही सुझाया है उसे। किंतु माता, आपने जो कुछ भी किया वो उसकी निश्चित अवैधिक पूजा से विवश होकर किया, तो इसमें दोष आपका नहीं, एकमात्र उस दुष्ट का। स्थान इतना मलिन और घृण उत्पन्न करने वाला क्यों है? कहीं ये मायासुर की कोई माया तो नहीं? अपने इस दोष के कारण, अपनी इस लज्जित अवस्था में कैसे देवी आदि शक्ति के समक्ष जाऊं मैं? कैसे बताऊं कि जो शत्रु उसे दुष्टता का भाव रखता है, उन्हें पराजित करना चाहता है, मैंने उसे उनका सामना करने का सामर्थ्य प्राप्त करने का उपाय ही नहीं बताया। अभी तो पक पक मायासुर की माया से सुरक्षित रहने का वचन भी दिया। माता का आशीष है मेरे साथ और उनका दिया हुआ शिस्त्राण, जिसे धारण कर मैं निशंक प्रवेश करूंगा मायासुर के माया राज्य में।
तो मेरा सोचना यथार्थ ही था। वास्तव में वह मलिनता एक माया थी और जिसके पीछे छिपा था यह सुंदर दृश्य। मिट गई यहाँ की माया इसे धारण करते ही, और वो दृश्य प्रस्तुत हुआ जो सत्य है। जब तक शीश त्राण मेरे शीश पर है, तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मायासुर, मेरे मित्र, भेंट करने आ रहा हूं तुमसे। तैयार हो जाओ मेरा स्वागत करने के लिए। भी कोई अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अवैधिक और अधार्मिक विधि का सहारा लेता है तो भविष्य में उसे उसका घातक और विनाशकारी परिणाम भी अवश्य ही भुगतना पड़ता है।